नमस्कार, इंडोटॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बेलथरा रोड बलिया चौकिया मोड़ स्थित जियाउल साहब की आवास पर AIMIM पार्टी बेलथरा रोड यूनिट की मीटिंग आहूत हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट द्वारा बसपा के मुस्लिम भाईचारा के बेलथरा रोड विधानसभा के अध्यक्ष जनाब महमूद अंसारी व बिठुआ ग्राम सभा के पूर्व प्रधान एडवोकेट ओम प्रकाश शास्त्री जी व सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णकांत यादव उर्फ नंदे यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी प्रदान किया गया। मनोनीत पदाधिकारियों से समीर फारूकी व रईस अहमद विधानसभा महासचिव व आवान हसन विधानसभा कोषाध्यक्ष व जियाउल साहब विधानसभा संगठन मंत्री व मोहम्मद साजिद को सेक्टर अध्यक्ष फरस साटा दार व मोहम्मद दानिश विधानसभा सचिव हैं। बैठक को संबोधित करते हुए अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट ने कहा कि बसपा छोड़कर पार्टी का दामन महमूद अंसारी के थामने से विधानसभा में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। साथ ही पूर्व प्रधान ओम प्रकाश शास्त्री जी का व सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णकांत यादव उर्फ नंदे यादव की पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी दलित व पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ने में कामयाब होगी। अब मैं चाहूंगा कि पार्टी के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए अपने जिला अध्यक्ष इज्जत माप जनाब अमानुल हक अब्बासी साहब दामद बरकात से दरखास्त से आए और अपनी बात करें। रोजगार के नाम से कब्जे में हमारे ग्राम है वो रहमान मेरे साथियों दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तब से पार्टी का कारवां रोज बरोज जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़ता जा रहा है और उसी के विस्तार में आज जो है यहाँ एक मीटिंग रखी गई जिसमें हमारे नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, जिसमें विधानसभा महासचिव जनाब समीर फारूकी साहब, विधानसभा महासचिव जनाब रईस अहमद साहब, विधानसभा संगठन मंत्री जियाउल साहब और तमाम लोगों को मनोनयन पत्र दिया गया। साथ ही सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना चुकी है उसके एक कद्दावर नेता जनाब महमूद अंसारी साहब ने जो है पार्टी का दामन थामा। आपके आने से निश्चित तौर पर जो है हमारी पार्टी काफी मजबूत होगी और हम पूरे विधानसभा में जो है इनकी ताकत के बदौलत जो है हम एक नई इबारत लिखने का काम। दूसरी खुशी की बात यह है कि दलित नेता सामाजिक कार्यकर्ता पेशे से वकील और बिछुआ के पूर्व ग्राम प्रधान जनाब ओम प्रकाश शास्त्री जी, जिनका एक सियासत में जो है अहम रोल है, जो गांव की के प्रथम नागरिक रह चुके हैं और उनका पार्टी में आना भी जो है हमारी पार्टी की मजबूती के लिए एक मील का पत्थर है। साथ ही एक नौजवान साथी हमारा था जो सामाजिक कार्यकर्ता नंदे यादव, उस नौजवान के आने से भी जो है हमारी पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी और हमें उम्मीद है कि ये लोग अपने समाज सहित दिगर समाज के लोगों को भी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। अब रहा सवाल मौजूदा हालात का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जय प्रकाश नारायण साहब की जयंती है और सबसे पहले मैं इस सारी नई सरकार को बनाने का काम, सारी सरकार को ऐसे बुजुर्गों के और बलिया से चली हवा जो है पूरे देश में फैलेगी और तुम यहां नहीं अब रहोगे बल्कि तुम अब अपने देश अंग्रेजी देश में जाकर बसोगे। भले उनका लड़का जो है अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चल पाया ये उसकी बात थी, लेकिन चंद्रशेखर जब तक जिंदा थे तब तक समाजवादी सेकुलर थे, हिंदू और मुसलमान की हत्या है, पत्रकार की हत्या हो जाती है, यानी जब वो पत्रकार सच बोल देता है तो वो गोलियों का शिकार होता है।
जब पत्रकार जब तक अपनी कलम को तोड़ करके अपने जमीर को बेच करके उनकी बात करता रहता है तब तक वो पत्रकार पत्रकार होता है। जैसे अर्णब गोस्वामी नाम का एक पत्रकार हुआ करता है, वो पूरी तरह से जो है वो पार्टी का पेट पत्रकार है, लेकिन जिशान साहब जैसा जो पत्रकार जो है हक को बुलंद करता है ये खतरे के दायरे में रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो सच्चे और निर्भीक पत्रकार हैं उनके साथ हमारी पार्टी कदम से कदम मिलाकर रहेगी और उनके साथ देश में पत्रकारों की हत्या हो रही है, कॉलेज के छात्रों की हत्या हो रही है, आप सुने होंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता की हत्या हो जाती है, वकीलों की आए दिन छत्तीस में हत्या हो जाती है, किसानों की हत्या होती है। और ताज़ा मामला तो है कि दलित और मुसलमान को तो ये समझते हैं कि दलित और मुसलमान फिर उसी सदी में जाके जिए जिस सदी में ये जिया करता था। खैर मुसलमानों से तो जो जो हाथ कभी भी होता है, मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता, मुसलमान को जो है हमेशा लड़ने का काम किया है, यही वजह है कि इनकी लड़ाई हमेशा मुसलमानों से, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा समाज, इस देश के जो है शरीफ लोग, चाहे वो ब्राह्मण हों ठाकुर हों, जो शरीफ लोग हैं वो जो है हमसे सब के रहें। सामंतवादी धारा के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आज का दलित कल की तरह से अपने कमर में झाड़ू बांध ले। वो दिन दूर है, वो दिन लद गया, अब वो दिन नहीं आने वाला, लेकिन उनकी मानसिकता है वो संविधान के परे जो है मनु स्मृति को संविधान बनाकर इस देश को चलाना चाहते हैं। सवाल उठता है कि अब देश जो है मनु स्मृति के आधार पर चलेगा या भारतीय संविधान का। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है देश को संविधान दे दिया तो निश्चित तौर पर अब देश संविधान से चलेगा। इनके प्रयास कितना ही ये कर लें कि हम मनुस्मृति से देश को चलाएंगे, कतई अब ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। देश में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पंडित जी लोग जो हैं बेचारे लगभग हमको लगता है कि पत्रकार का प्रदेश बन गया है, यहाँ हत्याएं बलात्कार अपराध। भीमराव अम्बेडकर के विचारों को कांशीराम ने चलाया और वाहिद आदमी का नाम है, उस वाहिद लीडर का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो सदन से लेकर सड़क तक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को मजबूती के साथ रखते हैं। वो बताते हैं कि देश जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, न कि तुम्हारे बनाए हुए संविधान से। इसलिए जो है ओवैसी साहब किसी खास बिरादरी, किसी खास मजहब, किसी खास वर्ग के नेता नहीं है, बल्कि वो सर्व समाज के नेता हैं, वो सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब जो हैं हमारे कायद के को मजबूत करें, ताकि जो है वो हम लोगों की बातों को मजबूती के साथ रखें। हमारी पार्टी जो है दलित, कमजोर, मजलूम, गरीब, पिछड़े और सर्व समाज के तमाम उन लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है जो सरकार और जालिम लोग और जालिम हुक्मरानों से सताए जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर जो मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सबसे माफी चाहता हूं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।